गुड मॉर्निंग एवरीवन. हमारा जो आज का नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ NSDL. NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है. ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक चीज़ जो यहाँ पे ज़रूरी है जानना, दैट इज़ डिपॉजिटरी क्या होती है. और डिपॉजिटरी क्या होती है ये आप अपने IFS के सब्जेक्ट में सेकेंड ईयर में पढ़ के आते हैं. डिपॉजिटरी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट है स्टॉक एक्सचेंज में, जो आपकी हेल्प करता है आपकी जो भी क्लियरिंग और सेटलमेंट प्रोसीजर होता है उसमें. जो डिपॉजिटरी है आपकी जो भी सिक्योरिटीज़ हैं उसे डीमैट फॉर्म में वो अपने पास लगता है. जस्ट लाइक जैसे एक आपका बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में आपका मनी डेबिट और क्रेडिट होता है, सेम तरीके से जो इन्वेस्टर है या वो पर्सन्स जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं या फिर जो कंपनी जो इशू कर रही है सिक्योरिटीज़ को, वो डिपॉजिटरी के पास अपना एक अकाउंट खुलवाते हैं जिनकी जो उनकी जिसमें जो उनकी सिक्योरिटीज़ है उसको डेबिट और क्रेडिट किया जाता है. इंडिया में हम जो बात करें तो दो मेजर डिपॉजिटरीज हैं, एक है NSDL और दूसरी है CDSL. NSDL इज़ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड CDSL इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. दो टू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं इंडिया में. जो NSDL है वो लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है इंडिया की. ये एस्टैब्लिश हुई थी August 1996 में मुंबई में. पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर कंपनीज एक्ट. और जो भी सिक्योरिटीज़ हैं ये हेल्ड करती है, सेटल करती है, वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में होती है. डीमटेरियलाइजेशन होने से पहले जो जब ट्रेड होता था जो सिक्योरिटीज़ थी वो पेपर फॉर्म में होती थी. मतलब अगर आपने शेयर्स को ख़रीदना है या बेचना है तो आपके पास जो प्रूफ होता था कि आप के पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं वो फिज़िकल पेपर सर्टिफिकेट की फॉर्म में होते थे. लेकिन डीमटेरियलाइजेशन में क्या होता है कि अब आपको फिज़िकल फॉर्म में वो चीज़ नहीं मिलती है. अब आपका जो वर्चुअल अकाउंट है आपके अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट आपकी सिक्योरिटीज़ हो जाती है. उसी चीज़ को डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म कहा जाता है. जब पेपर फॉर्म में होता था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी. प्रॉब्लम क्या होती थी, जैसे बैड डिलीवरी हो गई है किसी की, किसी और को पहुंच गई, डिले ट्रांसफ़र हो गया कि टाइम पीरियड जितना मिलना चाहिए था जबकि आपको पता चले कि आपके पास आ गया है वो उससे ज़्यादा टाइम पीरियड लेता था. तो ये जो दो डिपॉजिटरी सेटअप की गई थी वो इसी पर्पस के लिए सेटल की गई थी कि ये हैंडल करेंगी जो भी आपका ट्रेडिंग और सेटलमेंट हो रहा है डीमटेरियलाइज फॉर्म में, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री हो सके. अब इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कैसे रिलेशनशिप है, जब आपका पेपर वर्क कम हो गया, आपका जो सेटलमेंट साइकिल है वो कम हो गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इट मींस यू कैन डू मोर ऑफ द ट्रांजैक्शंस. वॉल्यूम जो है ट्रांजैक्शंस का आपका इंक्रीज हो जाएगा तो उससे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है. जो NSDL है वो इनोवेटिव और फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी सिस्टम्स यूज़ करता है और सपोर्ट करता है इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स को कैपिटल मार्केट में. ये इंश्योर करता है सेफ्टी और साउंडनेस इंडियन स्टॉक मार्केट की नए सेटलमेंट सॉल्यूशंस को डेवलप करके, जिससे इंक्रीज होती है आपकी एफिशिएंसी, मिनिमाइज होता है रिस्क और रिड्यूस होती है कॉस्ट. तो इस चैप्टर में आप NSDL की प्रमोटर्स, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स से. NSDL को प्रमोट किया था IDBI ने, NSE ने एंड UTI ने. IDBI लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया है, NSE लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया है और जो UTI है वो लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया है. इसके एडिशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक लिमिटेड, डेश्यू बैंक AJ, एक्सिस बैंक लिमिटेड, सिटी बैंक NA, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, द हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक एंड कैनरा बैंक भी अदर स्टेक होल्डर्स हैं NSDL में. देन बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की. जो NSDL है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें 5 डायरेक्टर्स होते हैं और उन 5 में से 3 जो डायरेक्टर्स हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर होते हैं, एक शेयर होल्डर का डायरेक्टर होता है और एक मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO होता है. तो जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है इसका, सबसे ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO आता है, उसके बाद उसके नीचे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, IT इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिन एंड HR, कंप्लायंस, इन्वेस्टर सर्विसेज एंड
secretariat, then participant interest and inspection, business development and products, issuer interface and risk management, business partner system support and investor education. Then बात करते हैं legal framework की, तो जो depository act है वो enact हुआ था 1996 में, जो provide करवाता है कि किस तरीके से जो dematerialization का route है वो use होगा आपकी जो securities हैं उसे transfer करने के लिए और settlement of securities करने के लिए. तो जो provisions है depository act के वो power देते हैं NSDL को कि वो frame कर सकता है अपने लिए bylaws और business rules और SEBI उन bylaws को approve करती है. तो जो functioning है NSDL की वो as per bylaws होती है और जहाँ पर जो आपके business rules हैं वो outline करते हैं कौन से operational procedures को NSDL follow करेगा और उसके business partners follow करेंगे. तो जो NSDL है उसका code of conduct है, उसके directors के लिए कोड ऑफ एथिक्स है और डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट पर्सोनल्स के लिए जो सभी ने प्रोवाइड करवाया है अंडर डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन 2012. अब बात करते हैं इसके बायलॉज की. जो बायलॉज हैं उसमें सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए जो लॉज कहते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं NSDL के वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया जाता है उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का उसमें मेंशन है. जो बोर्ड है वो ऑर्गेनाइज कर सकता है, मेंटेन, कंट्रोल, मैनेज, रेगुलेट कर सकता है, फैसिलिटेट करता है जो भी ऑपरेशंस डिपॉजिटरी करेगी और जो भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस पार्टिसिपेंट करेंगे डिपॉजिटरी के. देन पावर्स क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं, दे सकते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी को, कमिटीज को या मैनेजिंग डायरेक्टर को या किसी और अदर पर्सन या पर्संस को उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो वो ठीक समझते हैं और उसे वो किसी भी टाइम पे जो पावर्स उन्होंने डेलीगेट की है उसे कैंसिल कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम पे. देन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके पास अथॉरिटी है डायरेक्शंस इशू करने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी को टाइम टू टाइम. देन वो इशू कर सकते हैं डायरेक्टिव्स मैनेजिंग डायरेक्टर, अदर कमिटीज और किसी और अदर पर्सन या पर्संस को जिन्होंने उन्हें जिनको उसने पावर्स डेलीगेट की थी. देन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके पास पावर है अमेंड करने की, ऐड करने की या रिपील करने की कोई भी प्रोविजन जो बाय लॉ का उन्होंने फ्रेम किया था. देन आता है हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी. जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसे अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस पर्पस के लिए, डे टू डे की जो आपकी एक्टिविटीज हैं, अफेयर्स हैं डिपॉजिटरी की उसे मैनेज करने के लिए. इसमें मैक्सिमम 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, मैक्सिमम 5 मेंबर्स होते हैं जो जिसे नॉमिनेट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो यूजर्स में से होते हैं और उन्हें यूजर रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है. देन मैक्सिमम 5 पर्सन नॉमिनेट जो BOD करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, वो एमिनेंट पर्सन करेंगे, वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं. एमिनेंट पर्सन मतलब जो रिनोन्ड पर्सन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो किस फील्ड से हो सकते हैं, फाइनेंस से, अकाउंटिंग से, लॉ से या कोई भी अदर डिसिप्लिन जो भी इन्वेस्टर्स के अमंग है उससे हो सकते हैं. देन 4 पर्सन नॉमिनेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं एज अदर नॉमिनीज. देन पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात करें तो जो EC है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो सभी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे डेलीगेट की है. जो EC है वो मॉडिफाई कर सकती है, अमेंड कर सकती है, ऐड कर सकती है, रिपील कर सकती है कोई भी प्रोविजन बिजनेस रूल्स का. जो EC है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, सब कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स होंगे. जो EC है वो डिटरमाइन करेगी कि जो कमिटीज़ हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करना है, क्वॉरम क्या रहेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी हर एक कमेटी की. देन बात करते हैं यूज़र रिप्रेजेंटेटिव्स की. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो नॉमिनेट करेंगे मैक्सिमम 5 पर्सन एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो यूज़र रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और वो होल्ड करेंगे ऑफिस 2 साल के लिए और उन्हें वो एलिजिबल है री नॉमिनेशन के लिए. लेकिन एक जो यूज़र रिप्रेजेंटेटिव है वो 2 बार से ज़्यादा री नॉमिनेट नहीं हो सकता. देन अगर कोई वैकेंसी क्रिएट हुई है कि जो यूज़र रिप्रेजेंटेटिव है रिज़ाइन कर देता है या उसे रिमूव कर दिया या डेथ हो गई उसकी या इंसॉल्वेंट हो गया वो या कोई भी अदर केस है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास वो फाइल करता है कि ये केस है और इसकी वजह से वैकेंसी हो गई है तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल
करेंगे. देन एलिजिबिलिटी क्या है यूजर रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, जो पार्टिसिपेंट है वो सेटिस्फाई करेगा जो भी रिक्वायरमेंट्स आपकी स्पेसिफाइड हैं सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सेबी एक्ट और अदर डायरेक्टिव्स जो भी दिए गए हैं डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में या सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 1996 में. उसके पास एडिक्वेट एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ मार्केट इंटरमीडियरी, वो पार्टनर नहीं होना चाहिए यूजर रिप्रेजेंटेटिव का जो ऑलरेडी मेंबर है ईसी का, और उसको कभी भी डिफॉल्टर डिक्लेयर ना किया गया हो या वो कभी भी अपनी लायबिलिटीज को टाइमली मीट आउट करने में फेल ना हुआ हो. देन उसको कभी भी एक्सपेल ना किया गया हो, सस्पेंड ना किया हो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी ने डिपॉजिटरी की. देन अदर पर्सन्स ऑफ एमिनेंस जो अपॉइंट आप करते हो वो कहाँ से होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं इंडिविजुअल पर्सन्स को जो डिफरेंट फील्ड से हो सकते हैं, फाइनेंस से, अकाउंटिंग से, लॉ से या कोई भी अदर डिसिप्लिन से. इसी पे उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो ऑफिस को होल्ड करेंगे 2 ईयर्स के लिए और वो भी एलिजिबल है रीनॉमिनेशन के लिए. देन अदर नॉमिनीज की बात करें तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो नॉमिनेट करेंगे 4 पर्सन्स को जिन्हें अदर नॉमिनीज कहा जाएगा इसी का. देन वो होल्ड करेंगे ऑफिस 2 सालों के लिए एंड दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर रीनॉमिनेशन. और ये जो अदर नॉमिनीज हैं उसमें 2 सीनियर ऑफिसर्स होंगे डिपॉजिटरी के. देन बात करते हैं वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ नॉमिनीज की, कब जो नॉमिनीज का ऑफिस है उसे वेकेट माना जाएगा, उसे खाली माना जाएगा. अगर जो ऑफिस है यूजर रिप्रेजेंटेटिव या अदर नॉमिनीज जो पर्सन्स ईसी में अपॉइंट हुए हैं उनका ऑफिस कब नॉमिनेट माना जाएगा, अगर जो भी पर्सन है वो रिजाइन करता है इन राइटिंग या किसी भी टाइम को उस पे उसे इंसॉल्वेंट एडजस्ट कर दिया जाता है या वो अप्लाई करता है कि मुझे इंसॉल्वेंट एडजस्ट कर दो, या वो किसी ऑफेंस का कन्विक्टेड है कोर्ट ऑफ इंडिया में और उसे सेंटेंस हुआ है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 30 डेज का, अगर वो अपने आप को एब्सेंट करता है 3 कंजक्टिव मीटिंग्स में ईसी की या सभी मीटिंग्स में ईसी की फॉर अ कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, दोनों में से जो भी लॉन्गर होगा विदाउट लीव अगर वो एब्सेंस होता है तो उसका ऑफिस जो है वेकेट माना जाएगा. इन केस ऑफ पार्टिसिपेंट, अगर वो पार्टिसिपेंट नहीं रहता है डिपॉजिटरी का या उसे सस्पेंड कर दिया गया है या एक्सपेल कर दिया गया है या उसकी पार्टनरशिप टर्मिनेट कर दी गई है डिपॉजिटरी के थ्रू, इन केस ऑफ यूज़र, अगर यूज़र रजिस्ट्रेशन उसका सस्पेंड कर दिया गया है या कैंसिल कर दिया गया है सेबी के थ्रू, देन इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ द डिपॉजिटरी, अगर वो डिपॉजिटरी का एम्प्लॉय नहीं है, देन ऑफिस बेयरर्स ऑफ ईसी के लिए क्या कंडीशंस है, जो ईसी होगी उसका एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है डिपॉजिटरी का वही चेयरमैन होगा ईसी का, जो वाइस चेयरमैन है उसे जो बाकी ईसी के मेंबर्स बचे हैं वो अपने में से सेलेक्ट कर सकते हैं. जो टर्म है वाइस चेयरमैन की वो 1 साल की है और वो एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए. इन केस कैजुअल वैकेंसी हो जाती है चेयरमैन की पोस्ट के ऊपर, तो जो वाइस चेयरमैन है वो चेयरमैन की तरह एक्ट करेगा और जो वाइस चेयरमैन की पोस्ट खाली हो गई है उसे ईसी जो है जो अदर मेंबर्स नॉमिनेटेड हैं उनमें से किसी को एक को वो चुन के नॉमिनेट कर सकता है एज अ वाइस चेयरमैन उस पीरियड ऑफ वैकेंसी के लिए. देन बात करते हैं मीटिंग्स ऑफ ईसी की, जो चेयरमैन है ईसी का वो कन्वीन करेगा मीटिंग ईसी की किसी भी टाइम पे वो बुला सकता है. जो मीटिंग है ईसी की वो एटलीस्ट वंस होनी चाहिए every 2 months में. जो क्वोरम है मीटिंग का वो 5 है. जो डिसीजंस लिए जाएंगे मीटिंग में वो मेजॉरिटी वोट से लिए जाएंगे और जो मीटिंग है वो इन द प्रेजेंस ऑफ चेयरमैन होगी और उसके एब्सेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ वाइस चेयरमैन होगी. देन पावर्स क्या है चेयरमैन की, जो चेयरमैन है वो इंटाइटल्ड है कोई भी पावर्स जो से ईसी के पास हैं उन सबको करने के लिए और इमीडिएट एक्शन लेने के लिए, और इस एक्शन को ईसी कभी भी रेटिफाई कर सकती है विद इन स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.